आपको बता दें इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर के बारे में, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है एबीपी न्यूज के साथ खास बातचीत में, उन्होंने बताया कि उद्धव ठाकरे और सोनिया गांधी के बीच बातचीत हुई है, कांग्रेस उद्धव ठाकरे के साथ है। तो यह महत्वपूर्ण दावा किया गया है नाना पटोले की तरफ से और उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी और उद्धव ठाकरे के बीच बातचीत हुई है। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक उठापटक पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले। हम उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल ये कि आप चाहते हैं कि जो 16 लोग हैं उनकी सदस्यता चली जाए, जो लोग शिवसेना से अलग होकर गुवाहाटी में मौजूद हैं, क्योंकि आप अध्यक्ष रह चुके हैं विधानसभा के, क्या लगता है हो पाएगा ये और क्या नियम है इसके? देखो, माननीय स्पीकर ने जो एक नया गठ जो शिवसेना ने बनाया है उसको मान्यता दी है और उस गठ ने जो 12 MLA जो है उसके बारे में डिस्क्वालिफिकेशन की एक अर्जी माननीय स्पीकर के सामने दी है। तो स्पीकर ने उनकी अर्जी ली, उसके ऊपर पूरी जांच की और वो नोटिस उनको इशू किया गया जो 16 MLA जो है उनके ऊपर, उनको 48 आवर के अंदर वो उसका रिप्लाई उनको देना है। पिछली बार सरकार बनने तक चुनाव के बाद 35-36 दिन लग गए थे, अब क्या लगता है अब जो ये घटनाक्रम चल रहा है ये कितनी जल्दी खत्म होगा या इस वो इतना ही लंबा चलेगा? देखो, वो लोग कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रहे हैं ये खबर है। मैं आपको एक बात एक स्पष्ट करता हूँ कि बीजेपी के जो 3 कार्यकर्ता है ED, CBI और इनकम टैक्स, इनके डर के वजह से ये पूरे देश में इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, ये स्पष्ट है। हमने खुद कांग्रेस ने जो लोकतंत्र से चुन के आई हुई सरकार, कांग्रेस को जिसमें मैंडेट मिला था मध्य प्रदेश और कर्नाटक कई राज्यों में, वहाँ पे भी इन लोगों ने इसी आधार पर सरकारें गिराई। आपको लगता है कि सिक्योरिटी इसलिए ताकि प्रेसिडेंट रूल लगा सके? बिल्कुल, ये कि तनाव हो गया है, कानून व्यवस्था ये हो गई, इसलिए हमको केंद्रीय दल का यूज़ करना पड़ा और फिर जब मामला कोर्ट में जाएगा तो इसी तरह की भावनाएँ वो केंद्र सरकार की तरफ से रखी जाएगी। एक आखिरी सवाल ये कि कल उद्धव ठाकरे कार्यकारिणी में शामिल हुए, उसके बाद शायद कांग्रेस अध्यक्ष से बात भी हुई सोनिया गांधी से, क्या बात हुई है, क्या कुछ चर्चा हुई है और आज भी सुबह शरद पवार के साथ में जो NCP के साथ में कांग्रेस के नेताओं की बैठक हुई है, क्या निकल के आ रहा है सर, क्या है आप लोगों का स्टैंड? देखो, कल ही हमारी नेता सोनिया जी ने भी भूमिका स्पष्ट की कि हम महाविकास आघाड़ी के साथ है, आप डरो मत, हम तुम्हारे साथ है। ये भूमिका कल सोनिया जी ने उद्धव जी के सामने रखी है और उन्होंने उनको थैंक्स भी कहा है। जिस तरीके से आप सुन रहे थे नाना पटोले जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र में, उनका कहना था कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बातचीत की है उद्धव ठाकरे से। बाबा, बाबा। पुणिया सिटी जानिए। कोरिया सिटी। हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। आपको पता होगा हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं
मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News आपको रखे आगे।